सो हेलो गाइज, वेलकम। आई एम योर ब्रोकन हार्ट। जब मेरा चैनल था ना, सबसे ज़्यादा डिमांडेड वीडियो ये था कि आप एम 1887 से कैसे इतने ओपी वाले वन टैप मारते हो। सो यस गाइज, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं इतने इजीली वन टैप कैसे मार लेता हूँ एम 1887 से, और इसका क्या बेसिक टिप्स है या फिर क्या एडवांस ट्रिक है, आज आपके साथ शेयर करने वाला है। सो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी ओपी वीडियो है। और हाँ, जो जो बंदे अभी नया है और हमारे चैनल को नहीं पता, गाइज मैं आपको ब्रोकन हार्ट, जो कि मेरा पुराना चैनल, अभी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर, बट ये मेरा नया चैनल है, तो इसमें ही अभी टिप्स एंड ट्रिक्स आएगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रख लेना। सो यस, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहला ट्रिक है वो है जिग जैग मूवमेंट। अब तो जिग जैग मूवमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके वन टैप में। अब तुम लोग पूछोगे कैसे, तो जिग जैग मूवमेंट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है आपके ओपोनेंट एनिमी जो है वो अगर आपको वन टैप मार रहा है, देन उसके पास ना के बराबर चांस है कि आपको वन टैप मार पाएगा, क्योंकि आप जिग जैग मूवमेंट कर रहे हैं। और अगर कोई एनिमी जिग जैग मूवमेंट कर रहा है, देन उसको वन टैप मारना एकदम ना के बराबर होता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इधर देखो मेरे सामने एनिमी है और मैं इसको वन टैप मारने का कोशिश कर रहा हूँ, बट वन टैप मेरे एक भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो एनिमी जिग जैग मूवमेंट कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, और इसी वजह से मेरे एक भी वन टैप नहीं लग रहा है। इवन मैं इधर देखो रोटेशन ड्रैग का भी यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी वन टैप नहीं लग रहा है। सो यस, इससे साफ क्लियर हो जाता है जिग जैग मूवमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके वन टैप में, आपके डिफेंस में, क्योंकि अगर आप अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाओगे तो आप वन टैप लगा भी नहीं पाओगे, उससे पहले आपको ही मार देगा। सो या तुम लोग आज से जिग जैग मूवमेंट जरूर यूज़ करना। और तुम लोग अगर अच्छे मोबाइल प्लेयर को देखोगे, लाइक जैक एफएफ, वो ऑलमोस्ट सभी क्लिप में, उसके हर एक कस्टम देख लो, सभी में जिग जैग मूवमेंट यूज़ करता है, इवन राई स्टार भी करता है। सो समझ सकते हो कितना बड़ा चीज़ है ये। सो आई होप आप समझ गए होंगे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो हे गाइस, दूसरा ट्रिक है ई स्पोर्ट मोड। अब इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता होगा, और आज तक किसी यूट्यूबर ने बताया भी नहीं होगा आपको। और आजकल जो नए फ़ोन खरीदते हैं आप लोग, मतलब जो नया नया फ़ोन आता है मार्केट में, सभी में ऑलमोस्ट ये चीज़ दिया हुआ रहता है। और ई स्पोर्ट मोड का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपके गेम प्ले में स्मूथनेस आता है और सेंसिटिविटी हाई हो जाता है, जिस वजह से आपका मोबाइल लैग कम करता है और आप वन टैप भी इजीली मार पाते हैं। सो यस गाइस, ई स्पोर्ट मोड ऑलवेज आपको ऑन करके खेलना है। इधर देखो मेरे पास वीवो का फोन है, इसलिए ऐसा इंटरफेस मिलता है। जैसे मैंने किया गेम मोड ऑन, इधर मिल गया मुझे ई स्पोर्ट मोड। बट आपका फोन का कंपनी अलग हो सकता है, मतलब आपका गेम मोड भी कुछ और नाम से लिखा होगा। सो यस, सेटिंग में जाओ, उसको देखो, अगर अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपके पास ये मोड नहीं है, आप पुराना फोन यूज कर रहे हैं, देन आप डेवलपर ऑप्शन में जाओ, उसमें कुछ सेटिंग्स मिल जाता है, वो आप कर सकते हैं, इवन आप डीपीआई भी लगा सकते हैं। यस गाइस, ये चीज़ एक बार जरूर करके देखना, काफी ओपी है, और आप लोग जरूर गेम प्ले में कुछ नोटिस करोगे इसको ऑन करने के बाद। यस, इसको जरूर अप्लाई करना। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, ये ट्रिक भी काफ़ी ओपी है। मुझे पता, तुम लोग जो ज़्यादातर बंदे मुझे अभी देख रहे हो, तुम लोग यहाँ से गन स्विच करते हो, मतलब अगर गन चेंज करना हो तो यहाँ से करते हो, और ये एक बहुत ही गलत बात है। तुम लोग बहुत रॉन्ग प्रोसेस यूज़ करते हो। तुम लोग कभी नोटिस किए हो जो अच्छे अच्छे प्रो प्लेयर का कस्टम एचयूडी, इधर देखो मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ कस्टम एचयूडीज, इधर देखो राइस्टर का ये वाला है, ताहिर का ये वाला, जैक का है, मेटन, जो अच्छे अच्छे मोबाइल प्लेयर है उसका देखो ऑलवेज गन स्विच बटन अवेलेबल है, मतलब वो गन स्विच बटन से गन स्विच करता है। आपको ऑलवेज गन स्विच बटन का यूज़ करना है, जिस वजह से आपका मूवमेंट अच्छा जाता है, और अगर आपका मूवमेंट अच्छा जाएगा देन आपका वन टैप भी अच्छे पड़ेंगे। पहले मैं भी इस चीज़ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता था, पहले मैं भी यहाँ से गन स्विच करता था और मेरे वन टैप भी उतने परफेक्ट नहीं जाते थे, बट जब से मैंने यहाँ से गन स्विच करना स्टार्ट कर दिया, तुम लोग ऊपर रिजल्ट देख ही रहे हो कितना ओपी वाले रिजल्ट्स हैं। यस गाइस, ये एक बहुत ओपी ट्रिक है, और तुम लोगों में से ज़्यादातर बंदे इस चीज़ को नहीं यूज़ करते हो, बट तुम लोग अपने कस्टम एचयूडी में जाओ, थोड़ा चेंज करो, उसके बाद इसको यूज़ करके देखो, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया फिर आके मुझे बताना। सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है प्रैक्टिस। अब देखो, आपको प्रैक्टिस करना है बस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है इस जगह पे। यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक एनिमी रहता है जो मूव नहीं करता है, मतलब अगर आप बिगिनर्स है, जस्ट आप वन टैप सीख रहे हैं, ये आपके लिए परफेक्ट है। इधर देखो, अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको क्या करना है, शॉटगन ले लेना है M1887 या फिर M10 जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और जस्ट आपको इस तरह से फायर करना है, फिर रन करना है और गन स्विच करके फायर करना है। और ये चीज़ सबसे ओपी ट्रिक है इन सभी ट्रिक में से, क्योंकि देखो प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा चीज़ है, और अगर आप इस चीज़ को सही से परफॉर्म करोगे ना, इधर सही से मतलब ट्रेनिंग करोगे, तो आप कुछ ही दिन के अंदर वन टैप के किंग बन जाओगे। और मैं भी जब फ्री होता हूँ तो अक्सर इधर आके ऐसे करते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बस मुझे अच्छा लगता है। और ये चीज़ तुम लोग जरूर करना, देखना कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है तुम्हारे गेम प्ले। और जब आप यहाँ पर ठीक से वन टैप मारना सीख जाएंगे, इधर वन टैप लगता है जब आपके लगने शुरू हो जाएंगे, तब आप ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाइए और ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखना आपका गेम प्ले कहाँ से कहाँ जाता है। तो यस, इस चीज़ को जरूर अप्लाई करना। गाइज, मुझे पता है काफ़ी बंदों के पास स्किन्स नहीं होते हैं और वो विदाउट स्किन खेलना ही पसंद करते हैं, लाइक मेरे जैसा।
यस गाइस, मेरे पास भी स्किन नहीं है और मैं अभी विदाउट स्किन ही खेलता हूँ। तुम लोग अभी स्पैम करोगे कि ऊपर स्किन कहाँ से आ गया। सो यस गाइस, ये मेरे फ्रेंड का आईडी है और मैं उसी के आईडी से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ गेम प्ले। सो देखो, अगर आपके पास सारे के सारे M1887 का स्किन है, देन मैं आपको एक ही स्किन सजेस्ट करूंगा, वो है विंटरलैंड। ठीक है, विंटरलैंड एक ऐसा स्किन है जिसमें डबल रेंज मिल जाता है, और डबल रेंज मतलब 2x चांस वन टैप लगने का, मतलब आपके पास चांस भी डबल है वन टैप लगने के। सो यस, आपको विंटरलैंड स्किन ही यूज़ करना है अगर आप वन टैप प्लेयर हैं, अगर आप वन शॉट खेलना पसंद करते हैं। तो मैंने भी इसको यूज़ किया है और सही में बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेरे पास तो स्किन है नहीं, इसलिए मुझे बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिला था वन टैप में। सो यस, अगर आपके पास है तो आप जरूर ट्राई कीजिए। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो जो बंदे हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और जो पुराना M1887 का वीडियो था वो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके देख लेना, वो भी काफ़ी ओपी है। एंड आई होप अगर आप दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।